दोस्तों, अगर आप लोग एक बेरोज़गार हो, आप लोगों को पैसे की ज़रूरत है और आप लोग भी मेरी तरह मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो, तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग चैनल क्रिएट किया है जो कि आप लोगों के प्लीज़ हेल्प मी करके इसमें क्लिक करोगे तो नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग चैनल क्रिएट किया है, अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उन सब वीडियो को देखोगे, तो आप लोगों को वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा करके मतलब कुछ किया जा सकता है यूट्यूब पर, मतलब पैसे भी कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चीज़ों का सही से यूज़ करोगे ना, तो चीज़ें भी आप लोगों को सपोर्ट करती हैं। तो जैसे कि मैं अभी रिसेंटली रामरेखा गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा सा ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने जैसे ही सोचा और वो चीज़ करके दिखाया, वहाँ के लोग भी मेरे को सपोर्ट करने लगे, वहाँ के लोग और पुलिस वाले मेरे को बोलने लगे कि ये एक न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप लोगों का फ़ोटो या फिर वीडियो मतलब टीवी में आ सकता है, ऐसा बोल रहे थे आप लोग सब। ये वीडियो को देखो बाबा, इनको बारे में पत्रकार, इनको बताया टीवी से चैनल से क्या है, बतला खड़ा होकर आपका नाम भी जाएगा, फोटो आएगा। एक संत मिला उनको, ढोली का सुरे देता है राम राम। रामरेखा धाम का कितना समय से पूजा हो रहा है, और एक बात बता दीजिए, रामरेखा धाम कैसे पड़ा उसको बता दीजिए। ज्वाला जगह अंदर, किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग। बीमार हो गया था, लगा मौत थी करीब, वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला यूट्यूब और खुद में बिलीव। मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई, आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा उसके पीछे की दुआएं, आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया।